हरियाणा के शिक्षा विभाग में संस्कृत के टीचर संदीप आर्य ने भारतीय वायुसेना के 50 साल पहले क्रैश हुए विमान के मलबे को ढूंढने में कामयाबी हासिल की है। संदीप ने अपनी टीम के साथ ढाका ग्लेशियर में सर्च अभियान चलाकर इसकी जानकारी आर्मी को दी। संस्कृत टीचर संदीप आर्य हर साल हिमालय की चोटियों पर अपनी टीम के साथ जाते हैं। इस बार उनके दौरे पर उन्होंने वो खोज निकाला जो आज तक ढाका ग्लेशियर में कोई भी नहीं देख पाया। संदीप ने अपनी टीम के साथ 1968 में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना के विमान N-12 के मलबे को ढूंढ निकाला, साथ ही वहां मौजूद एक जवान के शव को भी ढूंढ निकाला। इस दौरान संदीप ने वहां एक वीडियो भी शूट किया है और इस वीडियो में संदीप ने इस जगह की वीडियो बनाई जहां ये मलबा उन्हें बरामद हुआ था। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन का और ONGC के साथ में एक क्लीन द हिमालय पर करके प्रोग्राम था स्वच्छता पखवाड़ा पे। तो एक हम मनाली से लेके और चंद्रभागा रेंज में CB-13 पीक क्लाइम करने जा रहे थे, तो पूरा रास्ता जो भी हम जा रहे थे तो सारा हम क्लीन कर रहे थे, उसमें पॉलीथीन रैपर्स और जो भी मतलब गार्बेज सैलानियों ने वहाँ पर फैला रखा था। तो 3-4 दिन बाद जब हम बातल पहुँचे तो बातल में हमें पता चला कि जिस एरिया में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे कुछ दुर्घटना हुई थी 1968 में, लेकिन अभी तक कोई उसको ढूंढ नहीं पाया था। तो जैसे ही हम 9 तारीख को बेस कैंप से ऊपर चले लगभग 4 दिन की चढ़ाई के बाद, तो ढाका ग्लेशियर में थोड़ा सा पूरा 6-7 किलोमीटर लंबा चौड़ा वो ग्लेशियर है, तो वहाँ पर हमें एक प्लेन का जो प्लेन क्रैश हुआ था उस टाइम इंडियन आर्मी का था, तो वो कचरा हमें वहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हुआ, उसका प्लेन का मलबा था। तो फिर मैं था, मेरे साथ दूसरे फ्रेंड्स थे, हमने वहाँ पे सर्च किया तो चारों तरफ वही बिखरा हुआ था 20 किलोमीटर में। जिस दिन हम पीक क्लाइम करके वापस आ रहे थे तो उस टाइम हमें, क्योंकि रात को 11:30 बजे हम पीक क्लाइम करने के लिए निकले थे, अगले दिन सुबह पीक क्लाइम करने के बाद से भी 13 क्लाइम की थी, उसके नेक्स्ट डे जब हम वापस आ रहे थे तो दिन में हमने देखा वहाँ पे मेरे साथी आगे निकल चुके थे, मैं था उस टाइम लास्ट में, तो मैं चारों तरफ ढूंढता हुआ आ रहा था वहाँ पे, तो एक डेड बॉडी मेरे को दिखी। वहाँ नज़दीक जाके देखा तो आर्मी की ड्रेस उसने पहन रखी थी, सिर्फ इतनी बॉडी थी, इससे ऊपर का हिस्सा उसका बाहर निकला हुआ था, उमदा था उसका फेस, नीचे की तरफ था, बाल बड़े हुए थे और एक हाथ दिख रहा था ऐसे। तो वो उसके चारों तरफ भी मैंने ढूंढ के देखा लेकिन एक ही बॉडी दिखाई दे रही थी। बहुत साल पहले बता रहे हैं जब वो प्लेन क्रैश हुआ था उस टाइम आर्मी का एक्सपेडिशन कोई गया था सर्च करने के लिए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। फर्स्ट टाइम काफ़ी दिन बाद ये ग्लेशियर पिघलने के कारण ये बॉडी शायद इससे ऊपर आई है। आने के बाद नीचे जब हम पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, 4-5 दिन बाद जब 13th को हम नीचे आए थे 13 जुलाई को, तो उस टाइम आर्मी को भी रिपोर्ट कर दी गई थी, तो शायद पता नहीं उनका कोई सर्च टीम गई है वहाँ पे, नहीं गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आर्मी से और गवर्नमेंट से कि प्लीज़ उनको जाके, जितने भी जवान वहाँ पे मरे हैं, बहुत सारे जवान थे उस प्लेन में, उनको निकाला जाए वहाँ से। माउंटेनियर्स की अगर मदद चाहिए तो हम 24 आवर्स आर्मी के लिए तैयार हैं। संदीप ने बताया कि जब वह अपनी टीम के साथ जा रहा था तो उसे विमान का मलबा और एक जवान का शव दिखाई दिया। वहीं संदीप के मुताबिक विमान का मलबा काफी दूर तक फैला हुआ था, उसे इस बात का अफसोस भी है कि वह जवान के शव को नहीं ला पाए, क्योंकि शव बहुत पुराना था इसलिए वह उसे नहीं ला पाए। इस मामले की जानकारी संदीप ने इंडियन आर्मी को दी है जिससे कि वह शव को वापस ला पाए।